नाग पंचमी के दिन भूल कर भी ना करे ये काम। सावन का महीना चल रहा है, ये महीना भगवान शिव और उनके भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है और उससे भी ज़्यादा खास इस महीने पड़ने वाले नाग पंचमी का पर्व होता है। इस बार नाग पंचमी 25 जुलाई यानी कि कल के दिन मनाई जाएगी। सावन माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। पंचमी तिथि को नाग देवताओं की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को सांपों का देवता माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन भूलकर भी जीवित सांप की नहीं बल्कि नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नागदेव की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन नागदेव की प्रतिमा का पूजन मंदिर या घर में ही करना चाहिए। इसके अलावा जीवित सांप को दूध न पिलाकर प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके पीछे का कारण है कि सांप मांसाहारी होते हैं, ये जीव दूध नहीं पीता है। सांप के लिए दूध जहर समान होता है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से 8:24 तक। इस दिन खास दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन एक खास दुर्लभ योग बन रहा है जो काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत उपयुक्त है। कुंडली में काल सर्प दोष के होने पर व्यक्ति को जीवन में सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उनकी दूध धान का लावा दुर्वा अक्षत पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होगी।